ट्रिप टू मुन्नार। आज हम कोझिकोड़े से मुन्नार ट्रैवल कर रहे हैं और कल का दिन बहुत अच्छा रहा जब हमने मणिपाल से कोझिकोड़े ट्रैवल करा था। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज दैट ड्राइविंग बीच। तो उसके कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं एंड आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, तो उसमें हमने वीडियोज डाले हैं सारे। एंड आज की जो जर्नी रहेगी दैट विल बी अबाउट 240 to 245 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड गूगल इज शोइंग अबाउट 7 hours and 15 minutes का रास्ता रहेगा, टाइम रहेगा। सो अभी वी आर ऑन NH 66 और देखते हैं अब ये कब यहाँ से एग्जिट करेंगे NH 66 में, बिकॉज ऑन एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो स्पीड विल बी लाइक कभी कम कभी ज़्यादा टाइप। आज का ये चीज पक्का रहेगी, बिकॉज वी हम 66 से हम टूवर्ड्स ईस्ट साइड जाएंगे तो सन ऊपर रहेगा एटलीस्ट टिल 12 o'clock तक हमारे सामने सन रहेगा। बट हम इस रोड पे कभी गए नहीं है तो इट्स बिट एक्साइटिंग कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, बट होपफुली आई थिंक जब हम 66 से अंदर की तरफ जाएंगे तब अच्छा रहेगा। और मुन्नार की तो फिर ब्यूटी फिर आपको जब पहुंचेंगे उसके बारे में बताएंगे मुन्नार के बारे में, और then we'll have some sort of good videos out there जब सब शेयर करेंगे। So this is our first trip to Munnar और so we're very excited to see, बहुत सुना है Munnar के बारे में and we really want to see कि कैसा है क्या है। We spending a few days there तो आराम से I think there are 3 or 4 routes एक एक करके cover करेंगे every day उसको। So see you there. See you there. आपको रास्ता भी दिखाते हैं कैसा है, बीच बीच में कंस्ट्रक्शन हो रही है नहीं हो रही। बीच बीच में NH 66 में आप देख रहे हैं एक्सकवेशन चल रहा है तो एकदम उन्होंने रोड खोद मारी है। बट एक चीज अच्छी कर रखी है उन्होंने कि ताकि ट्रैफिक चलती रहे तो साथ में एक छोटी सी रोड वन वे कर दी है वहां आने वालों को इस तरफ जाने वालों को इस तरफ। बट द ओनली थिंग इज कि अगर बीच में बिल्कुल ही छोटी जाती है तो अगर एक के पीछे एक फिर ट्रैफिक चलता है आपको उसके पीछे चलना पड़ेगा। बट द गुड पार्ट इज कि उन्होंने एक छोटी सी रोड निकाली हुई है ताकि ट्रैफिक चलती रहे। बट कितना काम हो रहा आप देखिए NH 66 में, कितना NH 66 से हम लोग एग्जिट कर गए हैं एंड हमने ली थी रोड टूवर्ड्स परप्पनंगड़ी से मार्केट के थ्रू जा रही है और इस रूट में अब जो आएगा नेक्स्ट टाउन मेजर विल बी थिरूर एंड थिरुसर। और जो दूसरा रूट है यहाँ से अगर वी हैड कंटिन्यूड ऑन NH 66 तो हमने लेना था दूसरा रूट दैट वुड हैव बीन पलक्कड़ एंड पोलाची। सो वो हम नहीं ले रहे हैं, वो आई थिंक मुन्नार के ऊपर वाला एरिया कोयम्बटूर और वो वाले साइड से आता है। आई होप कि मार्केट से निकल के हम जल्दी हाईवे पहुंचेंगे क्योंकि हमने बिल्कुल पीक टाइम पे मार्केट पे वेट किया है। भजन टाइम होती है, मॉर्निंग टाइम इज भजन टाइम, उस टाइम बजते हैं हरिओम शरण जी के भजन और विनोद अग्रवाल जी के भजन। और जैसे ट्रिप आगे बढ़ती जाती है तो उसके बाद थोड़ा बीच में हिंदी सॉन्ग, फिर जब बीच में थोड़ा एनर्जी लो हो रही है तो पंजाबी सॉन्ग भी लगाने पड़ते हैं थोड़ा एक्टिव होने के लिए, है ना। और बीच में ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन रणवीर के सॉन्ग्स भी लगते हैं एंड बढ़िया कि आप सॉन्ग सुनते जाएंगे तो अच्छा भी लगता है। वो थोड़ा सा हो जाता है कि एक बार हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो सॉन्ग बंद करने पड़ते हैं और ऑब्वियसली वी कांट पुट ऑन द वीडियोस एज वेल, बट अच्छा रहता है जॉयफुल जर्नी सॉन्ग भजन से रहता है थोड़ा सा। अगर आप फास्ट जा रहे हो थोड़ा स्थिरता रहती है कि चलाते चलाते थोड़ा सा याद आ जाता है भगवान की, आराम से भजन करते हैं हनुमान चालीसा। जब सीनरी अच्छी हो आसपास, अच्छा मौसम ओवरऑल, तो किशोर कुमार के या मोहम्मद रफी के सॉन्ग, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। और याद रहता है कि हाँ इस जर्नी पे हमने ये वाले गाने बहुत सुने थे या कोई लेटेस्ट सॉन्ग अगर उस टाइम आया होगा। जो हमें एक करना है अगर चांस मिलेगा वो कश्मीर टू कन्याकुमारी में, कश्मीर चेन्नई एक्सप्रेस का जो सॉन्ग है दीपिका पादुकोण का, आई थिंक मुन्नार में शूट हुआ है। करेक्ट करेक्ट, हम कोशिश करेंगे दोबारा से रीशूट करने की एंड आर वर्जन ऑफ सरफस सफाई सरफस, तो उसको हम दिखाएंगे कैसे। विल ट्राई लेट्स सी हाउ इट गोस, ट्रिप इज ऑल अबाउट हैविंग फन। सो दिस इज थिरूर टाउन, अच्छा बड़ा टाउन है यहाँ पे
और यहाँ से तिरुवनंतपुरम इज 328 और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम टूवर्ड्स अलापुझा साइड जाएंगे, बट इफ हम कट मार लेंगे तो जो बैक वाटर्स है वो एलपी और अलापुझा, तो उस पहले कोची है, लेकिन हम उससे पहले काफी पहले हम टूवर्ड्स लेफ्ट यानी ईस्ट की तरफ कट मार जाएंगे टूवर्ड्स मुनाहा। Alapuzha is for next time. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard time, you and I can weather. अभी तिरुसर की तरफ जा रहे हैं। I think यहाँ से पहले हम कैफे रुकेंगे अपना, not cafe, coffee day, Starbucks. तो स्टारबक्स में थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफी लेंगे और कुछ ब्रेक लेंगे, विच इज़ अबाउट कितना, अबाउट 40-45 मिनट्स फ्रॉम हियर, 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। फिर उसके बाद सीधा कोशिश करेंगे कि लंच पे थोड़ा हल्का फुल्का कहीं या पैक करेंगे स्टारबक्स से या पब्लिक के रास्ते में रुकेंगे, ताकि उसके बाद सीधा ही अपने रिजॉर्ट में रुकें जाके। फिर सी हाउ इट गोस, हाउ द डे अनफोल्ड्स। ये थोड़ा सा लग रहा है एरिया यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ना, तो लॉट ऑफ शॉपिंग मॉल्स आर कमिंग अप। और पीछे हमने शोभा का भी देखा था, शोभा का भी, शोभा सिटी, शोभा सिटी। बिफोर आई स्लीप हियर द क्रिकेट्स, सी द मून, साइड बाय साइड एंड थ्रू एंड थ्रू। सो अभी हम पहुंच गए हैं थिरुसर, दिस इज द मेन मार्केट, इट सीम्स पूरा टाउन ही मार्केट, मार्केट लीज जो हमने क्रॉस करा है, क्रॉसिंग थ्रू द मार्केट ओनली। अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी बड़ी जैसे बिम्बीज बेकरी देखी पीछे, बड़ा धनलक्ष्मी बैंक का सर्कल है, तो काफी लाइवली टाउन लग रहा है। मतलब छोटे छोटे पहले हमने टाउन देखे थे, तिरुसर इज कंपैरेटिवली बिग, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, क्योंकि देर आर गुड हॉस्पिटल्स और हाइपर मार्ट्स भी हैं। और अपना कैफे कॉफी डे ढूंढते हुए जा रहे हैं, आई थिंक आने वाला है, आने वाला है बिल्कुल। कैफे कॉफी डे नहीं, स्टारबक्स, स्टारबक्स। कैफे कॉफी डे और एक घंटा आगे था, थोड़ा सा आगे, स्टारबक्स ढूंढते हुए। एक अच्छी कॉफी के लिए क्या करना पड़ता है, ये इधर राइट हैंड साइड, राइट पे, ओके ओके, लुक एट द लेफ्ट, यार वो फुल पार्किंग मिल जानी चाहिए हमें। सो गाइस वेलकम टू स्टारबक्स थिरुसर। सो फाइनली बड़ी जद्दोजहद करके एंड मार्केट से निकल के रोड से हमें कॉफी ब्रेक के लिए, कॉफी ब्रेक के लिए मिल गया। And we'll pack something also, maybe some sandwiches or something. क्योंकि अब lunch break नहीं लेंगे, अब सीधा वहीं पहुँचेंगे। Late हो रहे already. But coffee, good coffee. हाँ, coffee. और अच्छा break भी मिल गया। और यहाँ से 3 घंटा चलेगा अभी। 3 से कितने घंटे यहाँ से? Around 4 hours. 3.5 hours. 4 to 5 hours. All. So Thirusur से हमने अब right लिया है towards Ernakulam. और ये है NH 544. तो होपफुली अभी हम NH पे चलेंगे, तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी पर मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ा सा बादल वादल आ गए हैं, तो आई डोंट नो कि आगे बारिश हो रही नहीं हो रही, मेरे ख्याल से बीच में शायद बूंदा बांदी मिलेगी हमें गाइस। और कहानी और बारिश चालू, हमने कहा कि बारिश मिलेगी और लिटरली 1 मिनट बाद, एंड दिस इज केरला फॉर यू राइट, सो गॉड्स ओन कंट्री। इतना मज़ेदार अभी हाईवे आ गया है NH 45, बहुत ज़्यादा थोड़ा सिटी विटी से घूमनी है, थोड़ा सा हाईवे पे चलते हैं, तो लेकिन बारिश झमाझम हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है राइट। हाँ, NH 544 करे, और क्या झमाझम बारिश हो रही है। प्रशांत इज हैप्पी बिकॉज़ गाड़ी टूट जाएगी, गाड़ी काफी गंदी हो गई थी ऑन द वे यस्टरडे, कल बीच बीच में चलाई थी, बिल्कुल थोड़ा मिट्टी विट्टी सैंड वैंड आ गया था, लग गया थोड़ा सा। तो हेल्दी स्नैकिंग चल रही है, एप्पल्स खाए जा रहे हैं ऑन द वे, शिमला के एप्पल्स केरला में खाए जा रहे हैं, दैट इज इंडिया इज ऑल अबाउट राइट।
कश्मीरी एप्पल कन्याकुमारी में खाओ, शिमला के एप्पल आप एर्नाकुलम के पास खाओ, और शिमला में जाके बनाना चिप्स, और शिमला में अरे ये था उसमें जाके आप केरला के बनाना चिप्स खाओ। से हमने अंगमलाई जंक्शन है वहाँ से लेफ्ट लिया है ऑन एमसी रोड, और ये जो रोड है दिस इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स मुन्नार मार्केट में पूरा लकड़ी का काम है, आई थिंक लकड़ियों की जो चेयर्स हैं, अलमारी है, lot of shops अभी काफी यूज करते हैं, झूले देखो कितने पड़े हैं यहाँ पे ना, मैसिव बिग शॉप्स लाइक बिग शॉप्स। सो गाइस हम कोटियम बाईपास रोड पे आ गए, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे टुवर्ड्स मुन्नार, इडुकी और अडिमले की तरफ जाएगा और सीधा जो है वो कोटा मंगलम टाउन में चला जाएगा। तो हम यहाँ से हमें लेफ्ट लिया एंड वी आर एंटरिंग नाउ टुवर्ड्स और गोइंग टुवर्ड्स मुन्नार। मुन्नार की दूर दूर से हल्की हल्की हमें क्या दिख रही शुरू हो रही है, हिल्स दिख रही है फाइनली। मुन्नार की हिल्स दिख रही है, वरना सिटी ट्रैफिक देख देख के थक गए थे, तो थोड़ी थोड़ी हिल्स दिख रही हैं। तो होपफुली आई थिंक विद इन एन आवर्स टाइम वी शुड बी एट द फुटहिल्स। सो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स अब जो है यहाँ से पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, एटलीस्ट द ग्रीन एरिया हैज स्टार्टेड, और थोड़ी थोड़ी चढ़ाई ऑल्सो स्टार्ट हो गई है। सो छोटी मोटी हिल्स पे चढ़ रहे हैं हम, आज सुबह से चाहे प्रशांत ही ड्राइव कर रहे हैं मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कार ड्राइव करने का, स्वभाव रूट सारा ऐसा था अभी तक, एंड वी वर वेटिंग की यू नो बेटर रोड्स तो बेटर ड्राइवर्स आएंगे, बट स्वभाव रोड थोड़ी कंजस्टेड थी आज। Was crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Construction हो रही है, है ना? मतलब road widening का काम चल रहा है यहाँ पे। हाँ, since we've taken that Munnar वाली road right, throughout I think थोड़ा-थोड़ा construction चल रही है, but still it's fine. बहुत स्लो नहीं है, मतलब आराम से वी एबल टू मूव। हाँ, 30-40 से आप आराम से स्पीड पकड़ सकते हो। थोड़ा यहाँ पे एक बसेस हैं जो पिंक कलर की हैं वो मिल रहा है, थोड़ा सा रायस चलाते हैं, और ये देखिए ये आ गया बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर, एकदम घर अंधेरा, लवली व्यू यार, लवली व्यू है ना। ये रही पिंक बस, यहाँ की जो पिंक बसेस हैं दे रिमाइंड अस ऑफ दिल्ली की ब्लू लाइन बसेस, रेड लाइन, रेड लाइन भी उसका, इवन ब्लू लाइन वर आल्सो नोटोरियस उनका, बट ओवरऑल रोड कंडीशन अच्छी है, आई थिंक दे आर वर्किंग टुवर्ड्स एक्सपैंडिंग इट, और मौसम तो देख के अच्छा ही लग रहा है, मुझे लगता है जैसे हम पास पास और अंदर मुन्नार के घुसेंगे तो शायद बारिश देखने को मिल सकती है। दिस इज प्रोबब्ली वन ऑफ द फर्स्ट व्यूज, ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द हिल्स, और आगे आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे व्यूज देखने को मिलेंगे, पर हम इसमें बहुत खुश हो रहे हैं। so nice. इतने इतने हम वहाँ से आए हुए हैं अपना टाउन से सिटी से जहाँ पे ट्रैफिक देख देख के, तो हमें लग रहा है कि यार ये बड़े बड़े अच्छे व्यूज हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रिज सा दिख रहा है ना। हाँ, और यहाँ पे आई थिंक ऑन द वे अभी कोई चियरप्पा वाटरफॉल्स भी आएगी, वाटरफॉल्स अबाउट 10-11 किलोमीटर्स, ये छोटी छोटी लेक भी है, पता नहीं रिवर है क्या, आई थिंक रिवर। ये अपने रोड पे आती है वाटरफॉल, ब्यूटीफुल है, चियरप्पा वाटरफॉल, और ये रोड से ही देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल। कौन से वाटरफॉल्स हैं? बल्लारा वाटरफॉल्स। एक बार मुझे लगा कि तार देखी मेरे कैमरे में मेरे उसमें स्क्रीन पे वो आ गया, क्रैक आ गया, दिस वायर।
स्पोर्ट्स मोड ऑन। तो अभी हम रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ऑफ बीट उस पे है लोकेशन पे, और हम हाईवे से नहीं गए, मतलब हाईवे से भी जा सकते हैं, वहाँ पे 7 मिनट स्लो दिखा रहा था, सो आई थॉट जस्ट यहाँ से जाया जाए, फिर देखते हैं, आई डोंट नो कैसा होगा, होपफुली यहाँ से जा सकते होंगे। गूगल दिखा रहा है तो हम भी चले जाएंगे। कौन से जंगलों के बीच में से ऊंची नीची सड़कों में से लेके जा रहे हो आप? रास्ता इज लाइक एकदम ऊपर फिर नीचे ऊपर फिर नीचे। ये थोड़ा सा डिफरेंट रास्ता है, ये देखो क्या चढ़ाई है। हम हाईवे जाते तो ग्रेजुअली चढ़ते, बट इसका ये बेनिफिट है कि यहाँ से कि इट इज सेविंग सम टाइम, अल्टीमेटली क्या होगा पता नहीं, लेकिन रास्ता थोड़ा सुनसान भी है बट मजेदार भी है। राइट, एकदम चढ़ाई, यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है। अरे माय गॉड, ये देखो। तो होटल का नाम क्या है भी बताना जरा। हाँ, होटल का नाम है द ग्रैंड क्लिफ रिजॉर्ट। तभी है तो क्लिफ पे चढ़ रहे हैं हम, क्लिफ की तरफ ही जा रहे काफी ऊंचाई हम लोग ऊपर चढ़ के आए हैं और अब आई थिंक नीचाई स्टार्ट हो गई है। सो वही लग रहा था कि कार की हालत, हमने एक्चुअली रेस्ट नहीं दिया व्हीकल को चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। काफी देर से कंटिन्यूसली चढ़ रही थी गाड़ी, से जा रहे हैं हम एकदम ही, और थोड़ा सा बीच में पेड़ भी गिरे हुए हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा, मैं लगता है मैं होटल वाले से पूछूंगा, शायद ये थोड़ा डिफरेंट रूट है जिससे हम जा रहे हैं, आई डोंट थिंक ये रेगुलर रूट होना चाहिए। हाँ, बिकॉज काफ़ी स्टिफ चढ़ाई है एंड फिर जहाँ पर नीचाई है वहाँ नीचाई भी काफ़ी है, सो बार बार अप एंड डाउन करना तो मुश्किल है इस रोड से। सो गाइज, दिस इज़ द रोड दैट वी वर सपोज टू कम फ्रॉम, गूगल ने 8 मिनट बचाने के लिए हमें ऐसे गड्ढों में डाला है, ऐसा बैंड बजाया हमारा, और वो इतने भयंकर गड्ढे थे ना, मतलब उस टाइम वीडियो लेने का भी याद नहीं रहा है। याद वो गड्ढे कौन से गड्ढे से बच, किस गड्ढे से बचना है वही हम ढूंढते रहे। जगह जगह ऐसे रास्ते में देखने को मिल रहा है रोड के साथ ही, रिवर बहरी आवाज तो आ रही है बहुत तेज। ये देखो, ये देखो ये है आपके जो हम कहते हैं ना कश्मीर तू कन्याकुमारी। तो ये ग्रैंड क्लिफ रिजॉर्ट में एंट्री लेते हुए रिसेप्शन पे ये खुद एक अकेले अपने में एक क्लिफ है, जो थी एक क्लिफ ही चढ़नी पड़ रही है एक्चुअली। बट बहुत अच्छा व्यू होने वाला है। Welcome to Grand Cliff. Thank you. Welcome to the Grand Cliff, man. Thank you so much. Thank you. Thank you. So this is Munnar. So beautiful. ये पूरे clouds आ गए हैं नीचे तक, and it's almost evening. Up, getting dark also. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. So we are finally at our room. बहुत देर लग गई हमें ऊपर आते आते, because we were enjoying the view. मन नहीं कर रहा था आने का ऊपर. View बहुत अच्छा है यहाँ से.
तो हमने कुछ एक डेढ़ घंटा नीचे निकाला, बट रूम टूर देते हैं, बट फैंटास्टिक प्लेस. सो दिस इज द रूम. सो दे हैव अ डबल बेड हियर एंड यहाँ पर इज अटैच्ड बाथरूम. This is the washroom. Okay. And जो basic amenities होती हैं, the mini fridge and kettle and all are there. हमारा सामान बहुत ज़्यादा है, हम almost हफ्ता हो गया. One week से travel कर रहे हैं, so बहुत सारा luggage है. So this is the room, and the best part is here. Come on. I think सुबह आएगा मज़ा देखने का. This is the balcony. And यहाँ से पूरा व्यू जो है इसका वैली का व्यू दिख रहा है. क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, अभी पूरा कवर्ड है इवनिंग टाइम. एंड वी वर देयर, वी वर सिटिंग देयर एंड एंजॉयिंग द व्यू. सो मॉर्निंग में इट विल बी वेरी नाइस. हम मॉर्निंग में देखेंगे. अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर बारिश नहीं हुई तो कैंप फायर होगा 7 o'clock. सो थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर देख के आते हैं. And let's see how go with tomorrow. And morning we have planned to go for a walk. 7 to 8 they have a like walk in this area, जो भी tea gardens and all है यहाँ पे. So we'll go there in the morning. Okay. So आज का vlog यहीं खत्म करते हैं. Unless and until हमें campfire में कुछ और दिखाने को ना मिले, वरना आज का vlog यहीं खत्म करते हैं ना. Yeah. So it was a tiring day, but it's all worth it. यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, calm, peaceful. So please continue watching our vlogs and अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe करिए और हमारे videos को like कीजिए. Confidence दीजिए हमें थोड़ा सिर्फ memories के लिए, but please कुछ और feedback वगैरह. And all we are doing is just to spread the happiness. So do like, subscribe and thanks for watching. Thanks for watching. See you.